देखो यार, हमने अपने चैनल के ऊपर पे काफ़ी सारे तुम्हारे फेवरेट रैपर से रिलेटेड बात करी है, काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर पे बात करा है। एंड आज की वीडियो हम बेसिकली उस टॉपिक के ऊपर पे बात करें जिसके ऊपर पे शायद बहुत कम वीडियोस हैं, एंड रैपबॉट ने ऐसे वीडियोस बना रखी हैं। लेकिन भाई रैपबॉट भाई बहुत तेज हैं तो कोई नहीं। लेकिन देखो यार, हमारी वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि यार उस वीडियो के अंदर में रैपबॉट का अपना ओपिनियन था एंड हमारी वीडियो में हमारा अपना खुद का ओपिनियन है। तो देखो यार, आज की वीडियो में हम जिन रैपर्स के बारे में बात करेंगे जिनके फैन बेस को कल्ट फैन बेस की तरह कंसिडर किया जाता है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी देखिए, और उसी के साथ ही एक और चीज़ जो यहाँ पे देखने वाली होगी वो ये होगी कि हमने जिन भी रैपर्स को इंक्लूड करा इस वीडियो के अंदर में, उनको नंबर के हिसाब से जिस नहीं करा कि टॉप 5 पे हैं, टॉप 10 में ये है, टॉप 1 पे ये है, सबको बस हमने रख दिया कि हाँ हाँ ये रैपर्स हैं जिनके पास जो फैन बेस है, जिनका कल्ट फैन बेस है, एंड ऐसा क्यों है ये भी हमने बताया हुआ है। देखो यार, अब जो रैपर आ रहा है उसका नाम है सीधे मौत, एंड अगर तुमने सीधे मौत को काफ़ी पहले से फॉलो करोगे तो तुमको पता होगा कि इनके पास ऑडियंस मतलब उतनी नहीं है जितनी एक बाकी के आर्टिस्टों के पास में है, लेकिन इनके पास जितनी भी ऑडियंस है ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब तुम्हारी कल्ट फैन बेस वाली है कि कुछ भी सिचुएशन हो ये हमेशा अपने आर्टिस्ट को सपोर्ट करेंगे। एंड तुम्हें पता होगा कि पास्ट टाइम में सीधी मौत की एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी आरवर्ड वाली, तो उस टाइम पर भी इनके फैन बेस ने इनको काफी ज्यादा सपोर्ट करा हुआ था। बाकी देखो यार, तुम क्या सोचते हो इस चीज के बारे में जरूर से कमेंट करके ओपिनियन अपने बता देना। अब देखो यार, हमारा जो अगला रैपर है उसका नाम है बेला। अब तुम्हें पता होगा कि बेला भाई ने तो यार बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज करी है पास्ट टाइम में, चाहे तुम्हारे एक पाजी और रफ्तार पाजी, बट देखो यार वो चीजें पास्ट की थी एंड अभी की डेट में वो चीजें बदल चुकी है, वो साल खत्म हो चुका है, नया साल नई शुरुआत चल रही है बिल्कुल। और देखो अभी तुमने देखा होगा बेला को कि वो इंस्टाग्राम के ऊपर पे वापस से इक्काबाजी को और रफ्तार भाई को फॉलो करने लग गए हैं, एंड जो सिचुएशन है वो ठीक हो चुकी है। लेकिन अगर उनके फैन बेस की बात करें तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई उनका फैन बेस जितना भी है ना, तो उनके जितने भी फैन बेस के अंदर बंदे हैं वो काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं बेला को। तुम देख सकते हो बेला भाई ने कितने सारे ट्रैक निकाल दिए थे पिछले साल में। अभी देखो, अगर तुम बेला के फैन हो तो मेरे से अच्छा तुम खुद समझोगे, एंड तुमने अगर समझा तो जरूर से कमेंट करके बता दे। अब देखो, हमारा जो अगला आर्टिस्ट है उसका नाम है एमसी स्टैन। मैंने तुम लोग को पहले वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था किसी को भी नंबर के हिसाब से जज नहीं किया जा रहा है कि टॉप 5 पे है, टॉप 3 पे है, टॉप 1 पे है, तो ऐसा मत बोलना कि भाई मैंने एमसी स्टैन को नीचे रखा हुआ है। तो एमसी स्टैन के पास जो फैन बेस है वो मुझे लगता है कि अभी तक मैं डीएचएच के अंदर में काफी ज्यादा मतलब सही फैन बेस है, काफी तगड़ा फैन बेस और काफी ज्यादा कल्ट फैन बेस। अभी तुमने पास्ट टाइम में देखा होगा कि अभी एमसी स्टैन वैसे तो बिग बॉस के अंदर में है, एंड तुमने देखा होगा कि वहां पे जितनी भी एमसी स्टैन की पहले लड़ाइयां हुई थी, अभी तो नहीं हो रही इतनी, लेकिन जितनी पहले लड़ाइयां हुई थी तो तुमने देखा होगा कि उनके फैन बेसेस ने क्या हाल करा था उन बंदों का जिनके साथ एमसी स्टैन की लड़ाई हुई थी। अभी देखो यार, हमारा जो अगला आर्टिस्ट है उसका नाम है कृष्णा एंड केयर डॉलर साइन। तो कृष्णा भाई के पास जितनी भी ऑडियंस है आज की डेट में एंड जितनी ऑडियंस उनकी बढ़ती जा रही है, तो काफी ज्यादा कल्ट फैन बेस है उनका। एंड तुमको इसका एग्जांपल कृष्णा वर्सेस एमवे, तुम्हें पता ही है बीकेपी वर्सेस आवाम, कहीं पर भी कंट्रोवर्सी है तो दो ही बंदे आते हैं, दो ही फैन बेस आता है, वो होता है बीकेपी का और आवाम का। बाकी देखो यार, मैंने तुम लोग को पहले भी बोला था नंबरिंग के हिसाब से जज नहीं करा जा रहा, टॉप 8 पे कौन है, टॉप 6 पे कौन है, एंड शायद से एक दो रैपर और भी एक्स्ट्रा आ सकते हैं भाई, मतलब और ये कम हो जाए तो भाई माफ कर देना क्योंकि मेरे को खुद याद नहीं हो रहा कि मैंने कितने रैपर्स का नाम लिया है। अब देखो, अगला जो रैपर है हमारा वो है एमिवे बंटाई। एंड यार, एमिवे को तो तुम भूल नहीं सकते क्योंकि आज की डेट में अगर डीएचएच के अंदर में सबसे ज़्यादा मोस्ट सब्सक्राइब कोई रैपर है तो भाई वो 18.7 मिलियन के साथ आई थिंक एमिवे बंटाई ही है। अभी एमिवे की जो ऑडियंस है उसका नाम है बीकेपी, यानी कि बंटाई की पब्लिक। एंड तुम लोग को पता होगा कि बंटाई की जो पब्लिक है यानी कि बीकेपी, वो काफ़ी ज़्यादा लॉयल फैन बेस है एमिवे का। मचाएंगे फोर जब एमिवे ने निकाला था उस टाइम पे एमिवे को काफ़ी हिट मिल रही थी, लेकिन उस टाइम पर भी उनकी जो ऑडियंस, उनका जो फैन बेस था, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा। बाकी देखो, अब हम जिस रैपर का नाम लेने वाले हैं उनका नाम है रफ्तार। रफ्तार भैया की तुम लोग को पता होगा कि अभी बिना मतलब अनाउंसमेंट वगैरह करे हार्ड ड्राइव वॉल्यूम 1 ईपी डाल दी थी, एंड कितनी अच्छी परफॉर्मेंस करी उस ईपी ने तुम लोग को पता होगा, नहीं पता तो तुम अफे भाई के चैनल पे जाके देख सकते हो। और देखो यार, यहाँ पे मैं तुम लोग को बताता हूँ कि रफ्तार भैया की ऑडियंस जो है ना वो दो तरह की है। पहली तो उनकी जो एक प्रॉपर हिप हॉप ट्रैक की वजह से आई है, दूसरी जो उनके कमर्शियल गानों की वजह से आई, क्योंकि उनके कमर्शियल गानों पे भी काफी सही व्यूज आते हैं, चाहे वो तुम्हारा घड़ा कसूता हो गया या फिर बेबी मरवा के मानेगी या फिर और भी जो उनके सॉन्ग, तुम्हारा खुले खर्चे हो गया, और भी जो सॉन्ग्स है, ये सारे जो कमर्शियल सॉन्ग की वजह से उनके पास ऑडियंस आई है। तो दो तरह की ऑडियंस है, एक तो कमर्शियल सॉन्ग वाली जो कि रफ्तार को चाहती है कोई कमर्शियल गाने निकाले, दूसरा जो कि एक हिप हॉप ऑडियंस जो किसी प्रॉपर हिप हॉप ट्रैक चाहिए। वेल, देखो हिप हॉप ऑडियंस तो दोनों ही है, लेकिन यहाँ पे उनको एक प्रॉपर हिप हॉप ट्रैक चाहिए, हार्ड कोर हिप हॉप चाहिए, पुराना रफ्तार चाहिए। जैसे कि अभी तुम्हें पता होगा नेवर बैक डाउन में रफ्तार हमें देखने को मिला था, तुम लोगों ने देखा होगा ट्विटर के ऊपर पे कि रफ्तार के जितने भी फैंस वगैरह वो ट्वीट कर रहे थे कि यार हमें रफ्तार की तरफ से एक प्रॉपर हिप हॉप ट्रैक देखना है, काफ़ी ज़्यादा ट्वीट कर रहे थे। और देखो यार, अब हमारे लिस्ट में जो अगला रैपर आने वाला है उनका नाम है हनी सिंह। अब देखो यार, हनी पाजी को तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि नहीं जानता होगा, क्योंकि यार एक दौर था जब हनी पाजी हर जगह चल रहा होता था, हर क्लब में हर पार्टी में हनी सिंह के ही गाने बज रहे होते हैं।
इवन अभी भी बसते हैं। अब देखो यार, हनी सिंह जो नाम है ना, वो नाम नहीं एक ब्रांड बन चुका है पूरा। और वहीं अगर हनी सिंह के फैन बेस की बात करें तो भाई तुम क्या ही कह सकते हो उनके फैन बेस की। तुम कहीं पर भी देख लो, अगर हनी पाजी से रिलेटेड वीडियो है तो तुम्हारे सामने, मतलब हनी पाजी के सामने कितना भी बड़ा से बड़ा रैपर क्यों ना आ जाए, उनके अगर तुम कमेंट सेक्शन जाकर देखोगे तो वहाँ पे सिर्फ एक ही बंदे का नाम होगा और वो होगा हनी सिंह। अब देखो हमारे जो अगले आर्टिस्ट है इस लिस्ट के अंदर में, जो अगला आर्टिस्ट है उसका नाम है डिवाइन। एंड तुम लोग को पता होगा डिवाइन भाई की अभी एल्बम भी आई थी बाजीगर, एंड कितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है वो एल्बम। अब देखो हमारे इस लिस्ट के अंदर में जो अगले रैपर है, दो रैपर होंगे एंड दो जो हैं दोनों ही पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। एंड फर्स्ट जो है उनका नाम है करण औजला। तुम लोग को पता होगा कि करण औजला की कितनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, एंड सिर्फ इंडिया में नहीं कैनेडा एंड काफी सारी और कंट्रीज में। और देखो यार, अब हम जिन रैपर की बात करने वाले, जिस रैपर की बात करने वाले हैं उनके लिए हमेशा से रिस्पेक्ट थी और है, एंड उनका नाम है सिद्धू मूसेवाला। आज की डेट में सिद्धू पाजी हमारे साथ में नहीं है, लेकिन उनका जो फैन बेस है वो उनका फैन बेस और बड़ा होते जा रहा है, एंड उनका जो फैन बेस है वो काफी लॉयल फैन बेस है। एंड देखो यार, इस वीडियो के अंदर में किसी को भी हमने पोजीशन नहीं दी थी कि 8th पे या 9th पे या ये टॉप पे है, लेकिन मैं तुम लोग को गारंटी देता हूँ कि कोई और यूट्यूबर या फिर अगर मैंने पोजीशनिंग के हिसाब से रखा होता इस वीडियो के अंदर में, उसके बावजूद भी सिद्धू मूसेवाला टॉप पे। अब देखो यार, इस वीडियो के अंदर में जो लिस्ट मैंने बनाई वो मैंने अपने हिसाब से बनाई थी, तो तुम्हारी लिस्ट शायद से डिफरेंट हो सकती है। तुम्हारे हिसाब से और भी रैपर्स हो सकते हैं जो कि इस वीडियो के अंदर होने चाहिए थे, अगले वीडियो के अंदर उन लोग को हम फीचर कर देंगे। एंड उसी के साथ तुम कमेंट करके उनके नाम बता सकते हो। अगर तुम सिद्धू पाजी के फैन हो तो जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना। इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, आके मेरे से फीडबैक दे सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।